इनका सबसे पहला रूप है शैलपुत्री। शैलपुत्री अर्थात पर्वतराज हिमावन की पुत्री, और इसी कारणवश इन्हें वृषारुधा के नाम से भी जाना जाता है। नवदुर्गा का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म अर्थात तपस्या, चारिणी अर्थात आचरण करने वाली। ये रूप उस ज्ञान व आचरण का प्रतीक है जिसके माध्यम से इन्होंने मुझे अपने पति के रूप में प्राप्त किया। नवदुर्गा का तीसरा रूप है चंद्रघंटा। मस्तक पर घंटे के आकार में आधा चंद्र। ये रूप अत्यंत शांतिदायक और कल्याणकारी है। विभिन्न प्रकार के अस्त्र और शस्त्र इनकी आठ भुजाओं में सुसज्जित है। इनका तीसरा नेत्र सदैव खुला रहता है। यह नवदुर्गा का चौथा रूप। इनकी मंद मंद हंसी से संसार का जन्म संभव होता है, और इसी कारणवश इसे कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। अष्टभुजा, शस्त्रधारिणी, व्याघ्रवाही, हिरण्यवर्णा, केवल यही है जो सूर्य के भीतर लोक में वास करती है। दसों दिशाएं इन्हीं से आलोकित है, जिनकी कृपा से मूर्ता भी ज्ञान सागर में परिवर्तित हो जाती है। वो है स्कंद माता। नवदुर्गा का पांचवा रूप सिंहवाहिनी, और इनकी उपासना द्वारा मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। जिस रूप में इन्होंने महिषासुर का वध किया वो कात्यायनी कहलाता है। इनकी आराधना करने से अर्थ धर्म काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। ये रूप काल रात्रि रूप कहलाता है। एक हाथ में लोहे का कांटा और एक में खड़ग, जिनका आशीष शुभों का कर्ता और कारक है। ये अंधकार का विनाश करते हैं। इनकी आराधना करने से असुरी शक्तियां भी भयभीत हो जाती। ये इनका महागौरी रूप है श्वेत वर्ण, श्वेत वस्त्रों से सुसज्जित, चतुर्भुज, त्रिशूलधारी, तालवाद्य धारण करने वाली ये इस रूप में अपने उपासकों को अवैदान देती। मां दुर्गा का नौवा रूप सिद्धदात्री कहलाता है। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकम्य, अश्वत्व, पश्यत्व, ये आठों सिद्धियां केवल इन्हीं की कृपा से प्राप्त हो सकती है। मेरा अर्धनारेश्वर रूप इनके सिद्धदात्री रूप की ही देन है।